अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ और आका हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद व सलाम इनके बाबरकत नाम से मैं आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ। तो आज हम कंडेंस मिल्क बनाने लगे हैं, तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हमने 1 kg दूध ले दिया है और इसको बॉयल आने तक हम रुकेंगे, और साथ ही हमने चीनी दी है जो हमने इसमें मिक्स करनी है, और चीनी जो सी आपने आधा किलो लेनी है और 1 kg दूध आपने देना है। तो अभी इस के बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे, तब फिर हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, अब हमारे दूध का बॉयल आ चुका है, आपने बॉयल आने तक इंतज़ार करना है और साथ आपने आधा किलो चीनी जो सी है वो इसमें मिक्स करनी है। साथ साथ आपने इसे हिलाता रहना है ताकि चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। जी जिस तरह नाज़रीन इसमें चीनी मिक्स होती जाएगी तो दूध का जो कलर वाइट से ये हल्का गोल्डन कलर देखते जाए आता जाएगा। जी नाज़रीन, साथ साथ आपने चम्मच के साथ दूध को लाते जाएं और देखें, पहले इसका कलर वाइट था, अब इसका दूध का कलर हल्का गोल्डन हो गया है। तो साथ साथ आप हिलाते जाएं और आपने इतना इसे हिलाना है ना पकाना है कि साथ साथ इसका कलर और चेंज हो जाए और ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। कलर भी चेंज हो गया है और तकरीबन आपने 20 मिनट तक सिलाते रहना है। 20 मिनट तक आपका ये देखिए कलर भी चेंज हो जाएगा और आपका कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा। और अब हमारा ये कंडेंस मिल्क काफ़ी अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा करेंगे, ठंडा करके एक बाउल में इसे डाल देंगे। हम इसे चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसे बाउल में शिफ्ट करके फ्रीज़र में सेव कर देंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा कंडेंस मिल्क अब ठंडा हो गया, अब हम इसे बाउल में शिफ्ट करके फ्रिज में रख देंगे और इस पर आपने ये देखना है कि वो आपने लेना है बाउल, वो ढक्कन हो हटाओ, इसे ढक्कन लगा के अब हम इसे फ्रिज में सेव कर देंगे। जी नाज़रीन, आपने ये कंडेंस मिल्क वीडियो देखी होगी, ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। और मेरा चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अभी मुझे इजाज़त दें, अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। उस वक्त के लिए अल्लाह नेकबान।